हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राघव के ब्लॉग्स पर। और आज हम आपसे एक भाई से मिलवा रहे हैं, अपने दोस्त है अपना लड्डू नाम है इनका, जैसे कि आप देख सकते हैं लड्डू जैसे हैं। इन्होंने एक काम स्टार्ट किया है, अन्नपूर्णा का कुछ सामान ही बेचते हैं, जैसे कि आपको राशन का हर सामान मिलेगा। कुछ भी आप लेना है, चीनी हुआ, दाल हुआ, तेल हुआ, मसाले हुए, कुछ भी चीज़ जो घर की रेस्टी में काम आती है, यानी कि पूरे महीने का पूरा राशन जो कि आप मार्केट से कहीं से ख़रीदते हैं तो लगभग आपको पड़ता है 120 रुपये की, मान लीजिए 40 रुपये के हिसाब से 3 किलो चीनी आती है, लेकिन इनके पास मिलेगी केवल 85 रुपये की। तो ये चीज़ हम उस दिन निकल रहे थे, इनका बोर्ड लगा हुआ था, हमने पढ़ा, क्योंकि हम लोग ये करते हैं क्योंकि राशन हम मेदार से खरीदते हैं, कहीं नॉर्मल दुकान से खरीदते हैं तो हमें पड़ता है थोड़ा सा महंगा। तो हमने उस दिन देखा और यहाँ पर थोड़ी सी पता किया भाई से, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा है, तो आपसे क्या करेंगे यहीं से भाई के पास से सामान ले जाया करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, आप देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल दाल है 70 से 80 रुपये के जी मिलती है, इनके यहाँ पे कितनी है भाई, लगभग 35 रुपये के जी है यहाँ पे, है ना, एकदम बेस्ट क्वालिटी की दाल है, मैं देख चुका हूँ और अभी ले जाऊँगा यहीं से सामान। आज पता चला है, हमारे अमन भाई ने बताया है, एक आंटी जी हैं जिनका कोई है नहीं और बहुत ही ज़्यादा अधिक रेयर कंडीशन है उनकी, तो देखते हैं कुछ हेल्प कर पाते हैं। तो इसी को देख के उस दिन मैं जब देख गया था दुकान इनकी, तो उसी को देख के हम आज आए हैं इनकी शॉप पे और सामान खरीदते, देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट होता है। और ये दुकान जो है पड़ती है आपको जब विकास भवन की रोड पे आते, ईसर नदी की पुल से जब विकास भवन वाली रोड पे आएंगे तो लगभग होगी 200 मीटर आगे, ये कुछ है शक्ति ऑटो पार्ट्स के नाम से, वही मिल जाएगा। अभी तो कुछ यहाँ पे सामान जो ये है गाड़ी का, लेकिन इसी शॉप में वो सब कुछ खुलेगा, लेकिन सामान आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आज और कैंटीन में गए हैं ये लोग तो लेके आएंगे सामान, तो चलिए चलते हैं कुछ सामान खरीदते हैं इनके पास से और फिर चलते हैं उन आंटी जी के पास उनकी मुस्कान लाने के लिए। तो दोस्तों अमन भाई को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो जो है पूरा का पूरा सामान कॉम्बो पैक निकलवा रहा है, और यहाँ पे अभी आटे की व्यवस्था नहीं है, आटे की व्यवस्था हो जाएगी कह रहे थे ये। आज देखो ये गए हैं कैंटीन को सामान लेने के लिए, अब तो हम आगे जाते हैं, केवल आटा लेके आना है और सारा का सारा मासिक वाला सामान सब कुछ मिल गया यहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों में, केवल पता है 14 चीज़ें ऐसा लोगों 545 रुपये की। तो और जो मैं मार्केट में ख़रीदता रहता हूँ तो मुझे पता है मार्केट से मुझे पड़ता है लगभग 900-1000 रुपये का पड़ता है। तो अब चलते हैं वहाँ से आटा लेके आना है ओनली, और सब चीज़ यहीं पे मिल जाएगा, तेल, दाल, तो मसाले, हर चीज़, चीनी वगैरह, नमक, हर चीज़। तो चलते हैं। दोस्तों चलते हैं अब नाटी जी के पास कुछ चीज़ें देने के लिए, बहुत कुछ अच्छा आइटम है आप देख सकते हैं, सब कुछ ले लिया हमने राशन, और क्या है कि एक साड़ी उठानी है और कुछ फल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं उनके पास। आपके अमन भैया ने बताया है ना कि आप सामान आपके लिए लेके आए हैं। देखो ये नमकीन है, चाय मिल गई, धनिया पाउडर मिल गया, अमूचर पाउडर मिल गया, न्यूट्रिशन पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है, जीरा है, गरम मसाला है, प्लस तेल ऑयल की 1 लीटर की बोतल, 3 किलो चीनी, और ये नमक है, दाल, और ये कुछ हमारी तरफ से फल, और ये आंटी जी आपके लिए साड़ी, देखिए आपके लिए साड़ी, तो आंटी जी आप यहाँ पे अकेली रहती हैं? नहीं ना आया था भाई वो। अच्छा अच्छा अच्छा। सब कोई ना बीमार रहा तू। अच्छा अच्छा। जो तो तुम्हारे वाले को वो को काम कर ले तो कर ले तू। अच्छा अच्छा, तो मतलब बहुत समस्या है। चलो किराए भी रहा था बेटा का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आपके जो अमन भैया है उन्होंने थोड़ा बताया था, तो हम जो कुछ सामान आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि एक इंसानियत के नाते हम आपको दे रहे हैं और आगे भी हम आपकी मदद करते रहेंगे। बेटा भला भूला तो बस आपका बेटा अच्छा, गंगा जमुना पानी रहता हूँ ना, तो आगे भी हम आपका करते रहेंगे, हर महीने करते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन लीजिए। अभी आपका सामान लेके आए, लगभग 1 महीने चल जाएगा, फिर अमन भाई हमको बता देंगे, फिर हम आपको दे जाएंगे, यानी कि आपका करते रहेंगे, तो जब तक हम हैं तब तक करते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। कभी उठिया ऊपर भगवान, बस बस आपका आशीर्वाद ही है, सब कुछ जो कुछ है सब आपके पैसा हो जाओ, ऊंचे हो जाओ बेटा। तो बस, तो सबसे पहले तो कितना भी बड़ा हम बन जाए लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होगी,
लेकिन मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इनके लिए कुछ सामान लेके आए हैं, देते हैं इनको और जो भी बनता है आगे और भी करते रहें। मैं अपने आप को केवल माध्यम समझता हूँ आपके द्वारा दिया गया प्यार को इन लोगों पास पहुँचाने का, तो आप लोग थोड़ा सा अगर चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा पेटीएम का है, गूगल पे का है, आप चाहें तो इसे कुछ एक रुपया, दो रुपया, दस रुपया, पाँच रुपया करके आप दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जो कि मैं सीधी मदद आपकी इन तक पहुँचाऊँगा। मुझे किसी का एक पैसा नहीं चाहिए, केवल और केवल जो भी होता है मैं इन्हीं लोगों में लगाता हूँ। यहाँ तक कि मैं जो भी कमा रहा हूँ पढ़ा के घर घर जाके जो भी रुपया मैं कमा पाता हूँ, लगभग 5,000-6,000 जो भी मंथ में कमा पाता हूँ सब इन्हीं में कर देता हूँ। तो दोस्तों बस करते रहिए, आप भी अच्छा लगता है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग कीजिए थोड़ा सा, और आपको लगता है अच्छा लगता है तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे, जो भी हमसे हो पाएगा आगे भी करते रहेंगे, बस आपके सपोर्ट से ही सब कुछ हो पाता है। तो बस अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, ठीक है। आप हाथ मत जोड़िए, आप केवल यहाँ हाथ रखिए, ना ना ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।